आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई हमें इग्नोर करे तो अब हमें क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आपको ऐसा महसूस हो कि जो मेरी क्रश है वो मुझे इग्नोर करने लग गई है तो मुझे क्या करना चाहिए, या फिर जो आपकी पार्टनर है वो आपको इग्नोर करने लग गई है, तब आप उसके टाइम पे क्या कर सकते हो ऐसा जो उसको रियलाइज़ हो कि उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको भाव देना चाहिए। जैसे आप उसके रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही वो भी आपके रिस्पेक्ट करे। अगर आपको भी ये सारी बातें जाननी है तो प्लीज़ भाई इस वीडियो में एंड तक वॉच करिएगा, ठीक है। इस वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा क्योंकि आज की वीडियो फ्रेंड आपके 100% है कि हेल्पफुल होगा, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में आप भी फ्रेंड इग्नोर हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर फ्रेंड आने वाले टाइम से आप पहले ही तैयार हो जाओगे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। भाई तो अच्छी लगे या ना लगे कि आप एडवांस में इस वीडियो पे एक लाइक कर सकते हो, बाद में अगर आपको बुरी लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, मगर प्लीज यार एक लाइक जरूर करना, ठीक है। खैर बढ़ते हैं वीडियो में फ्रेंड। पॉइंट नंबर वन, आपको मैं सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वाकई में वो आपको इग्नोर कर रही है, या फिर आपका माइंड ऐसा कह रहा है कि हाँ वो मुझे इग्नोर कर रही है या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। काफ़ी बार फ्रेंड होता क्या कि जब हम कभी बैड थिंकिंग कर लेते हैं, जब हमारा मूड खराब होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बंदा मुझे कुछ कह भी रहा है, अगर थोड़ा प्यार से मुझे समझा भी रहा है तो इसका मतलब वो मुझे डांट रहा है, उसका मतलब वो मुझे कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, हम उससे भी थोड़ा चिड़चिड़ापन जैसे बात करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है क्योंकि वाकई में वो आपको इग्नोर कर रहा है, क्या वाकई में आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, या फिर कोई बात कुछ और है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है, या फिर जैसे बहुत सी बार होता है ना, हमें कोई प्रोजेक्ट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, थोड़ा फ्रीडम से चाहिए होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फ्रेंड पहले आप पता लगा यार, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जज नहीं कर सकते किसी कमेंट की वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड प्लीज यार पहले आप इस बात का पता लगाओ, ठीक है, उसके बाद आप जज कर सकते हो कि हाँ वो मुझे इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब फ्रेंड आपको इस हालात में क्या करना चाहिए? देखो भाई, अक्सर होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, जब ये डिस्टर्ब होने लग जाए, जब ये ज़्यादा परेशान होने लग जाए, तो थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा सा इसे खुला छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा इसको आज़ादी देनी चाहिए फ्रेंड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है या फिर इग्नोर कर रहा है, तो फ्रेंड उसको थोड़ा सा फ्रीडम दो कि उसे एहसास हो सके कि आपकी कमी कितनी ज़्यादा खलती है उससे फ्रेंड। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई हरकतें कर बैठते हैं ना, जिसके चलते वो हमें पार्टनर देखना नहीं चाहता, उन्हें गुस्सा आ जाता है, मगर वो हमें उल्टा कह नहीं सकते, उल्टा बोल नहीं सकते, इसके चलते वो हमारे से नज़रें नहीं मिलाते, वो हमें देखते नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको देखूंगी नहीं, इसको नज़रें नहीं मिलाऊंगी, इसको इग्नोर करूंगी, तो ऑटोमेटिकली खींचा चलाएगा और ये मुझे सॉरी कहेगा या फिर ये मुझे ये कहेगा, उसे गलती का एहसास होगा फ्रेंड। अगर आपने वाकई में कोई गलती की है तो बात अपनी जगह, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे आपको इग्नोर कर रही है, तो आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए फ्रेंड। जब माइंड डिस्टर्ब हो जाए ना, तो उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। जब आप अकेला छोड़ोगे उसे, तब उसको धीरे धीरे बातें रियलाइज होगी कि यार लगता है मैंने उस बंदी के साथ गलत किया यार, मेरे को उस बंदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मैंने हल्का सा इग्नोर किया, अब तो वो ये मुझे फॉलो तक नहीं कर रहा, मुझसे बात भी नहीं कर रहा, जो ये मेरे लिए आता था ये आना भी छोड़ दिया, लगता है मैंने सही नहीं किया। तब फ्रेंड उसको रियलाइज होने लग जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए फ्रेंड। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई वो आपको इग्नोर कर क्यों रही है? क्या आपने कोई बुरी बातें कह दी हैं उसको, या फिर आपने कोई ऐसी बातें कर दी हैं जिसके चलते उसको हर्ट हुआ है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसी हरकतें की है जिससे उसको हर्ट हुआ हो कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ ठीक है, इसको देख के मैंने हंस दिया, इसको भी देख के हंसना चाहिए था, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है फ्रेंड? क्योंकि अगर आप चेबू टाइप का हरकतें करोगे तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी पसंद नहीं आता है भाई मेरे। तो आप इस बात को समझिए कि वो आपको इग्नोर कर क्यों रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है फ्रेंड, आराम से आप भी बैठिए और सोचिए कि आपने कुछ बुरा कहा था, क्या आपने भला कहा था, या फिर आपने कुछ गलती कर दी थी। अगर ऐसा कुछ है तो आगे का प्रोसेस आप फॉलो करिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थोड़ा सा उसे फ्रीडम दीजिए, ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा उसे कि वो अपनी जगह पे ठीक नहीं है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 है, इसको ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आप फ्रेंड अपने ईगो में बिल्कुल भी मत रहिए। अब मैं यहाँ पे किसी के फ्रेंड ईगो को कुछ कह नहीं रहा, बस मैं एक बार समझा रहा हूँ फ्रेंड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में या फिर हम दोनों के फ्रेंडशिप में अगर कोई अनबन हो जाती है, तो हमारे माइंड में एक बातें बैठ जाती है कि मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा, यही मुझे सॉरी बोलेगी, या फिर यही मुझे सॉरी बोलेगा फ्रेंड। ईगो को चलते आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को खो बैठते हो, अच्छे खासे दोस्त को खो बैठते हो, एक अच्छी खासी बात को खो बैठते हो। तो पहले आप तो ये पता करिए कि आप वाकई में फ्रेंड आपने कोई गलती की है। अगर गलती की है तो भाई थोड़ा झुकने में किसी की हाइट छोटी नहीं हो जाती यार। अगर आपने सामने से सॉरी बोल दिया तो आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, उल्टा आपकी इज्जत उसकी नजर में बढ़ जाएगी कि इस बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, शायद ऐसा हो सकता है कि अगली बार से ऐसा ये ना करे। तो भाई थोड़ा सा नरमी से आप ही काम ले लीजिए, अगर वो काम नहीं ले रही है तो फ्रेंड, क्योंकि एक ना एक का तो माइंड ठंडा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। और दूसरा काम फ्रेंड आपको ये करना है कि अगर आपने ये पता कर रखा कि नहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की है तो मैं उसको सॉरी नहीं बोल सकता, मगर मुझे जानना है कि क्यों मुझे इग्नोर कर रही है, तो उसका फ्रेंड सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो हम किसी के थ्रू जाते हैं उसके पास। तो अगर उसकी कोई फ्रेंड है, अगर उसका कोई यार है, या फिर अगर उसका कोई जिससे ज्यादा वो टाइम स्पेंड करते हैं, इसको आप
जानते हो उसके पास जाओ, उससे बात करो और उससे पूछो कि क्या बात क्या है। कि आजकल देख रहे हो किसी से भी हंसकर बात नहीं करती है, किसी से भी हंसकर ये बैठती नहीं है किसी के पास, ना ही ज़्यादा अपनी बातें शेयर करती है। कोई इसको प्रॉब्लम है, कोई बात है या फिर कुछ लग गया बुरा, तो फ्रेंड जाहिर सी बात है वो 100% आपको बता देगी कि ये चलते या फिर ये वजह है जो आपको इग्नोर किया जा रहा है, और आप उस वजह को वहीं ख़त्म कर दीजिए। फ्रेंड किसी को सॉरी बोलने से, किसी के सामने थोड़ा सा झुक लेने से किसी का कुछ कम नहीं हो जाता है, उल्टा आपका रिलेशन और स्ट्रांग हो जाता है और आपका प्यार गहरा हो जाता है। आप लोग इंस्टाग्राम पर कह तो देते मुझे कि सर मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, लड़की ने खासकर मुझे कहा है कि सर मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मगर इग्नोर कर क्यों रहा है आपको यही नहीं पता होता है। तो फ्रेंड पहले तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इग्नोर कर क्यों रहा है, ऐसे तो है नहीं इसको दौरे पड़ते या फिर वो पागल हो गए जो आपको इग्नोर कर रहा है। तो भाई ये पॉइंट समझिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही क्यूट है, अब जरा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अगर कोई आपको फ्रेंड अनलिमिटेड इग्नोर करने लग गया है, वो चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और आपको ऐसा लगता है कि उससे बात करनी चाहिए तो मैं इससे कॉल पे बात कर लूँगा, मैसेजिंग पे बात कर लूँगा, या तो फिर आपको चैटिंग पे बात कर लूँगा, तो भाई ऐसे में वो आपके इमोशन नहीं समझने वाली, या फिर मेरी बहन ऐसे में वो आपके इमोशन नहीं समझने वाला। तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि फ्रेंड अगर कोई आपका पार्टनर अगर आपसे दूर होने लग जाए, कोई आपको समझना ना चाहे, इतने नहीं आपकी वो वैल्यू नहीं करता, तो जाहिर सी फ्रेंड बात है कि आपके इमोशन उसको दिखना चाहिए, और इमोशन कभी वॉइस से नहीं दिखती जल्दी किसी को, ठीक है। वो कहने की बात है कि मैं तुझे करता हूँ, मैं तो इसको अपने दिल में रखता हूँ, ये वे फलाना ढिकाना, हाँ फ्रेंड ये सब सिर्फ कहने की बात है। अगर आपको वाकई में इस बातों पे ट्रस्ट है, वाकई में आपको ये बातें समझनी है, तो फ्रेंड उसके लिए ये करना पड़ेगा कि मिल के बात करो मेरे दोस्त, मिल के काफ़ी हद तक तो सोल्यूशन ये हो जाएगा कि आप दोनों दूसरे के पास मिलोगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे, मतलब रियलाइज करोगे हाँ यार मैंने ठीक किया या मैंने गलत किया, यार देख मेरे पार्टनर का चेहरा कैसे उतर गया, फिर देख मेरा पार्टनर का चेहरा कैसे उतर गया। आप इस चीज़ को समझोगे, मेरा पार्टनर कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, कितना नहीं फील कर रहा है, आप इस चीज़ को भी समझोगे तो भाई 50% जिसे कहते हैं ना 50%, तो आपका केस यही सॉल्व हो जाएगा कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रही थी कि नहीं कर रहा था फ्रेंड, ठीक है। आप इस बात को अपने माइंड में लेके चलिएगा, अब ऐसा नहीं है कि आप उन्हें गुस्से को लेकर चले गए। और कुछ बंदों की जो फ्रेंड ये सोच होती है ना, ये पॉइंट नंबर 5 है, कुछ बंदों की अगर ये सोच है कि यार वो मुझे इग्नोर करती है तो मैं उससे क्यों बात करूं, मैं नहीं करूंगा बात, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, दिखावटी दुनिया में क्यों जी रहे हो मेरे दोस्त, ईगो में इतने क्यों बैठ गए, मतलब कि इतना क्या यार भूल कैसे रहे यार कि वो तुम्हारी क्रश है या फिर तुम उसके क्रश रह चुके हो, तो क्यों भाई इतना ईगो क्यों। जब याद करो यार, जब तुम दोनों ने दूसरे की आंखों में देखा था, जब एक दूसरे को पसंद किया था, तब भी आपने ये सोची थी कि मतलब इसको मैं एक टाइम में ऐसे अगर इग्नोर कर दूंगा कि ये बंदी भी मेरे को या बंदा भी मेरे को बोलेगा कि यार ये बंदे ने ठीक नहीं किया। उसके चलते फ्रेंड आगे चल के जब आप किसी और से रिलेशन में जाते हो, किसी और से दोस्ती भी करते हो ना, तो आपको लगता है इसमें भी उसी की परछाई मिलेगी मेरे को, तो मैं दोस्ती नहीं करने वाला। तो भाई कभी अपने माइंड में ये कीड़ा मत बैठने दो यार कि मतलब उसको मैं नहीं बोल रहा, सॉरी उसको मैं ये नहीं कह रहा, उसको मैं नहीं कहूँगा, उसकी गलती है, ये है वो है फलाना है ढिकाना, मतलब ऐसे दुनिया में मत जियो यार, जिस दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट ना हो, जिस दुनिया में आपको खुद को समझ ना हो, तो फ्रेंड ऐसे दुनिया में मत जाओ यार, कभी अपनी थिंकिंग को इतना आगे तक मत ले जाओ। अगर छोटी सी बात हो तो छोटी सी रहने दो ना यार, उससे छोटा सा कट लग गया ठीक है बैंडेज लगा लेंगे, उसके लिए तुम पट्टी लगाओ, डेटॉल लगाओ, ये वे फलाना ढिकाना, तो लोग चोट को एक्सीडेंट का नाम दे देंगे फ्रेंड, समझ रहे हो ना। तो आप इस तरह की थिंकिंग रखिए यार, अगर कोई इग्नोर करता है तो उसे इग्नोर करते समय थोड़ा सा उसे गैप करिए, थोड़ा सा उसको फ्रीडम दीजिए, थोड़ा सा उसको हवा लगने दीजिए बाहर का, कि उसे समझ में आए कि अगर हम सामने वाले को इग्नोर करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। अगर कोई आपसे सॉरी नहीं बोल रहा, आपको पता चलता है कि नहीं इसमें गलती मेरी, तो थोड़ी सॉरी बोल दो यार, कुछ घटता नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आपको नहीं समझना चाहता तो उसको समझाने की कोशिश करिए, बीच में ईगो मत रखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलकर बात करने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व हुई है तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को अभी भी वो इग्नोर कर रही है, अब सर ऐसा बताओ टिप जिससे वो मिनटों में मुंह से सेट हो जाए या फिर वो मुझसे सॉरी बोल दे, तो वो भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक कंप्लीट होते हैं तो भैया ये वीडियो आ जाएगी पार्ट 2। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, रत्ती सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।